A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS English question paper of 2017 and it is set 30 today. So let's get started. Question number one is, the idea is to attract and captive your audience. Is to attract and captive. मैं error B part में है, captive नहीं होगा. क्योंकि टू प्लस भी वन के बाद जब एंड हो तो उसके बाद भी हम वर्ब वन का यूज करते हैं. कैप्टिव तो एडजेक्टिव है तो यहाँ कैप्टिवेट चाहिए. कैप्टिवेट मीन्स होता है मोहित करना, वशीभूत कर लेना, यानी इसका सिनोनिम होता है एंथ्रॉल. इसका सिनोनिम फैसिनेट होगा, चार्म होगा. एंथ्रॉल, फैसिनेट, चार्म, कैप्टिवेट, मोहित करना, सम्मोहित करना और कैप्टिव. एडजेक्टिव का काम करता है, इसका अर्थ होता है बंदी. तो आंसर भी होगा ग्रामर का रूल, यदि दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हों तो एंड के पहले फुल इन्फिनिटिव तथा इसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर कैप्टिवेट होगा बी. क्वेश्चन नंबर टू इज, देयर इज एन एडेड प्रेशर टू सक्सीड इफ यू हैव पुट मनी इन इट. देयर क्या यह टी एच ई आई आर इंट्रोडक्टरी देयर का काम करता है? जी नहीं, यह तो एक डिटर्मिनर है और इसके बाद हमेशा नाउन का यूज करना होता है. ये दो शब्द जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है टी एच ई आई आर, दूसरा है टी एच ई आर ई. टी एच ई आई आर का प्रोनंसिएशन टी होता है और टी एच ई आर ई का प्रोनंसिएशन टे होता है. एक तो यह प्रोनंसिएशन के आधार पर डिफरेंस हुआ, दूसरा यूज के आधार पर. दे डिटर्मिना है, इसके बाद में हम नाउन का यूज करते हैं और दे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं. ये दोनों के बीच अंतर. तो टी एच ई आई आर यहां नहीं होगा, यहां होगा टी एच ई आर ई, क्योंकि डिटर्मिना के रूप में यहां यूज नहीं करना है, यहां इंट्रोडक्टरी दिया है और तब टी एच ई आर ई लिखना होता है. आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर थ्री, पीटर डैश फोन्ड सिंस ही वेंट टू अमेरिका. बहुत इंपॉर्टेंट रूल यह ग्रामर का है. सिंस जब भी दो पार्ट को जोड़ रहा हो, कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में यूज हुआ हो, यानी इसका अर्थ हो जब से तब से, यदि सिंस वाक्य के दो पार्ट को जोड़ रहा हो, हिंदी मीनिंग जब से तब से निकल रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम सिंस के पहले हैज हैव भी थ्री का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में भी टू का यूज करते हैं. अब आप देखें, पीटर डैश फोन्ड सिंस ही वेंट टू अमेरिका. सिंस के बाद वाले पार्ट में भी टू का यूज हुआ है, पहले पार्ट में हमें फील करना है. तो क्या होगा, पीटर एक नाम है तो हैज भी थ्री का आप यूज कर दें. तो यहां तो भी थ्री लगा भी है तो केवल आप हैजंट लगा दें. आंसर थ्री का ए होगा. क्वेश्चन नंबर फोर, सी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस. नाइदर के साथ पेयर्ड कंजंक्शन नॉर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा फोर का ए. क्वेश्चन नंबर फाइव, सिमिलर इन मीनिंग आपको बताना है सिनोनिम. शब्द है गैस्प. गैस्प मीन्स होता है हाफना, कम फूलना.
श्वास की कमी होने पर जोर जोर से सांस लेना, इसे हम गैस्प कहते हैं। कोई धावक दौड़ करके जब वो रुकता है उस समय तक वो जोर जोर से सांस लेता है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, वहां पर हम गैस्प का यूज करते हैं, इनहेल का नहीं। तो गैस्प मीन्स होता है हांफना, दम फूलना, जोर जोर से सांस लेना, यानी फाइट फॉर ब्रेथ होगा, 5 का आंसर ए होगा। अनब्लॉक यानी ब्लॉकेज को हटा देना, अनब्लॉक करना यानी मुक्त करना। अनकॉन्स्ट्रिक्ट यानी सीमा बंदी से मुक्त करना, किसी खास दायरे में जब किसी को हम बंद करते हैं, उसे बांध देते हैं, तो उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कहते हैं। एंटोनिम होता है अनकॉन्स्ट्रिक्ट। रिलीज मीन्स भी होता है मुक्त करना। फाइव का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द है ओवो। ओवो मीन्स समाप्त होता है लाई मीन्स झूठ होता है, लाई मीन्स लेटना होता है, रेस्ट मीन्स अवशेष, रेस्ट मीन्स आराम, बाइगॉन बीता हुआ व्यतीत, और चेरिश पालन करना। शब्द ओवो इसमें से किसका सिनोनिम होगा, तो बाइगॉन का होगा, क्योंकि ओवा मीन्स समाप्त होता है, ओवा मीन्स बीता हुआ समय भी होता है, यानी आंसर 6 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डेलिबरेट, और डेलिबरेट का भी सिनोनिम बताना है। डेलिबरेट हम दो अर्थों में यूज करते हैं। जब इसका यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, इसका अर्थ होता है जानबूझकर, सोच समझकर, समझ बूझकर। डेलिबरेट का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं, इसका अर्थ होता है विचार करना, सोच लेना। अनविटिंग को हम मूर्ख कह सकते हैं, अविवेकी कह सकते हैं। वीट यानी बुद्धि, वीट से वीटिंग बना, और अन लगा करके, अन प्रीफिक्स लगाकर उसे वीटिंग का एंटोनिम बना दिया गया। इंटेंडेड मीन्स होता है इरादतन, इंटेंशनल, इंटेंडेड, चांस मौका, और इनडिटर्मिनेट अनिश्चय की स्थिति, डामाडोल स्थिति में होना, निर्णय न ले पाने की स्थिति में होना। डेलिबरेट, अनविटिंग, इंटेंडेड, तो आंसर इंटेंडेड होगा। 7 का आंसर भी इंटेंड मीन्स होता है इरादा होना, उद्देश्य होना। डेलिबरेट मीन्स होता है सोचना, विचारना, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्पैन, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। स्पैन मीन्स होता है समय की सीमा, स्पैन मीन्स समय की सीमा,
टाइम मीन्स समय का विस्तार, समयावधि को भी हम स्पैन कहते हैं, एक्सटेंट हद या विस्तार या सीमा, एक्सट्रीम चरम बिंदु, लेंथ लंबाई और स्पेस स्थान या जगह। स्पैन का एग्जैक्ट वे में यहाँ कोई एंटोनिम नहीं है। स्पैन का सिनोनिम एक्सटेंट भी होगा, लेंथ भी होगा। देना है एंटोनिम तो कुछ हद तक एक्सट्रीम सही है। एक्सट्रीम अत्यंत के अर्थ में भी यूज होता है। किसी चीज के चरम बिंदु के लिए हम एक्सट्रीम का यूज करते हैं, यानी कोई लेवल जो टॉप मोस्ट पर है उससे ऊपर नहीं हो सकता, यानी एक्सट्रीम लेवल पर है। तो एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है बट एंटोनिम नहीं है बट कुछ हद तक मैच करेगा। 9 में शब्द है ट्रिगर। ट्रिगर का अर्थ होता है लक्ष्य रखना। निशाना साधना और ट्रिगर आरंभ करना, ट्रिगर का 3 अर्थों में यूज करते हैं। सेट ऑफ प्रस्थान करना, एकाएक प्रस्थान कर जाना, सेट ऑफ प्लान के मुताबिक प्रस्थान करना, सेट आउट प्रोड्यूस उत्पन्न करना, एक्टिवेट शुरू करना, सक्रिय बनाना, हाल्ट विराम लेना, ठहरना। तो ट्रिगर आरंभ करना, शुरू करना, लक्ष्य रखना, निशाना साधना और हाल्ट रुक जाना, विराम लेना। तो एंटोनिम इसका हाल्ट ही होगा, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, शब्द है एग्जॉस्टिव। यह अपने आप में एडजेक्टिव है। एग्जॉस्टिव मीन्स होता है विस्तृत, विस्तृत। इसका सिनोनिम डिटेल्ड होता है। इनकम्प्लीट, दैट इज नॉट कम्प्लीट, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। स्वीपिंग बहुत अधिक मात्रा में, थॉरो संपूर्ण, और इन डेप्थ गहरा या गहराई में। एग्जॉस्टिव का एंटोनिम बताना है। स्वीपिंग और थॉरो तो नहीं होगा, ये सिनोनिम हो जाएंगे। इन डेप्थ भी सिनोनिम हो जाएगा, आंसर इनकम्प्लीट होगा। एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल, इट मीन्स डिटेल्ड स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11, पुट इनटू एक्शन। यह एक इडियम है, आपको इसका मीनिंग बताना है। ए में सिस्टमैटिकली, बी में टू एग्जीक्यूट, सी में इरेग्युलरली और डी में रैपिडली। पुट इनटू एक्शन, क्रियान्वित करना, पुट इनटू एक्शन क्रियान्वित करना, सिस्टमैटिकली क्रमबद्ध ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से। टू एग्जीक्यूट क्रियान्वित करना,
जिसे हम संपादित करना भी कह सकते हैं, और इसी एग्जीक्यूट का एक और अर्थ होता है फांसी देना। फांसी देने वाले को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं आप। जो फांसी देता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करेंगे आप सभी। इरेग्युलरली, अनियमित रूप से, रैपिडली, तीव्र गति से या तेजी से। तो पुट इन टू एक्शन को हम टू एग्जीक्यूट कहते हैं। 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डू अवे विद का अर्थ होता है समाप्त करना, इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, असंभव, इनवैलिड, अवैध, जो वैध न हो। टू एबोलिश, उन्मूलन करना, और एम्प्टी, खाली। तो डू अवे विद, समाप्त करना, यहां पर क्या होगा, टू अबोलिश होगा। अब मैंने आपसे कहा था जो फांसी दे उसे क्या कहते हैं, हिंदी में जल्लाद कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हैंगमैन या एग्जीक्यूटर कहा जाता है। जल्लाद। क्वेश्चन नंबर 13, द लिटिल गर्ल फेल फ्रॉम द रूफ। यह एक विवादास्पद मुद्दा है। बहुत से लेखक फॉल के साथ फ्रॉम भी लगाते हैं, बहुत लोग फॉल के साथ ऑफ भी लगाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में भी बने रहते हैं कि कब फॉल ऑफ का यूज करें, कब फॉल फ्रॉम का यूज करें। ऐसे तो दोनों ये टकराते रहते हैं, लेकिन एक तरीका आपको बता रहा हूं। फॉल ऑफ और फॉल फ्रॉम, किसी गतिशील चीज से गिरने के लिए आप फॉल के साथ ऑफ लगाएं, क्योंकि ऑफ गति को दर्शाता है। तो खासकर वाहनों के लिए, क्योंकि वाहन गतिशील होते हैं, जब वाहन पर से कोई गिरे तो वहां फॉल के साथ आप ऑफ लगाएं, और फॉल फ्रॉम स्थिर चीजों के लिए यूज किया जाता है। छत पर से गिर गया, पेड़ पर से गिर गया, वहां आप फ्रॉम का यूज करेंगे। तो द लिटिल गर्ल फेल फ्रॉम द रूफ बिल्कुल सही है। छोटी सी लड़की छत पर से गिर गई, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं। 13 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेन वॉज लेट फॉर 40 मिनट्स। ट्रेन 40 मिनट लेट थी। तो इस स्थिति में हमें अनुपात को बताना है कि कितने के अनुपात से गाड़ी लेट थी, और अनुपात को व्यक्त करने के लिए हम प्रेपोजिशन में बाई का यूज करते हैं। द ट्रेन वॉज लेट बाई 40 मिनट्स होगा। आई एम सीनियर टू हिम बाई 4 ईयर्स। मैं उनसे 4 वर्ष बड़ा हूं। तो यहाँ अनुपात जो है बड़ा और छोटा का, इसमें 4 वर्षों का अंतर है, तो अनुपात के लिए आप हमेशा बाई का यूज करें। इसलिए आंसर 14 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लेस वे अ गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। यहां एंड चाहिए। गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, वह स्थान जहां सरकारी और सार्वजनिक दस्तावेजों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्काइव। प्राचीन लेखागार।
सार्वजनिक लेखागार भी कह सकते हैं। इलेक्टिव चयनित या निर्वाचन का, इलेक्टिव का अर्थ कई जगह वैकल्पिक भी होता है। लोकोमोटिव रेल इंजन, खासकर स्टीम इंजन के लिए लोकोमोटिव का यूज होता था। फॉरेटिव मीन्स गुप्त होता है, इसका सिनोनिम सीक्रेट क्लैंडेस्टाइन कोवर्ट और अंडरहैंड होता है। इन सब का अर्थ गुप्त होता है। तो आंसर आर्काइव होगा 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह जो कम आयु का हो, कम अवधि का हो, उसे क्या कहें? प्रिपरेटरी तैयारी कराने वाला, प्रिपेयर वर्ब से हम नाउन बनाते हैं प्रिपरेशन हो जाता है, एजेक्टिव बनाते हैं तो प्रिपरेटरी होता है, यानी यह प्रिपेयर का एजेक्टिव है। डिक्लेरेटरी डिक्लेयर वर्ब का एजेक्टिव है, घोषणा से संबंध रखने वाला। सर्कुलेटरी संचरण तंत्र से संबंधित, और ट्रांजिटरी इसका अर्थ होता है क्षणिक। इसके सिनोनिम के रूप में हम शॉर्ट लाइव्ड का यूज करेंगे और ट्रांजिएंट का यूज करेंगे। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम को हम ट्रांजिटरी कहते हैं, शॉर्ट लाइव्ड कहते हैं या ट्रांजिएंट कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, शब्द अरेंजमेंट है। आंसर 17 का बी होगा, एक्ट ऑफ अरेंजिंग समथिंग इज कॉल्ड अरेंजमेंट। अरेंज करने के काम को हम अरेंजमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे व्यवस्था कहेंगे। नंबर 18, बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्यवसाय होता है। पेशा भी कहते हैं, इसलिए हम इसके सिनोनिम के रूप में ऑक्यूपेशन का यूज करेंगे, वोकेशन का यूज करेंगे, प्रोफेशन का यूज करेंगे। नाइनटीन, रीअरेंज करना है आपको, अरेंज करें। propensity to addiction, बहुत अच्छा शब्द है propensity, इसका synonym होता है inclination, inclination, इसका दूसरा वर्ड होगा proclivity, तीसरा वर्ड होगा interest। propensity to addiction, pre डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल, पी से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं।
प्रोपेंसिटी टू एडिक्शन, एडिक्शन के प्रति झुकाव लगाव प्रवृत्ति, इसमें तो कोई नहीं है जो मैच करे, लेकिन हम क्यू से शुरू कर सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू एडिक्शन इन अदर वर्ड्स इज नॉट ए, अब इज नॉट ए डिटर्मिना है, नाउन ही चाहिए, यानी आप इस नाउन को रख लें। प्री डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल बट द रिजल्ट ऑफ सोशल कंटेस्ट, QPR आंसर होगा जो कि डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग अरेंज करें। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सब्जेक्ट का काम कर रहा है एंड मैनेजमेंट, ये दोनों मैच कर रहा है, पी से शुरू करेंगे। इज डिजर्वेडली अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ, ये तो ऐसे ही बन गया, PQR होगा और PQR बी में दिया हुआ है। 21 से 25 में दिया हुआ है क्लोज टेस्ट। द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा मार्क्स द एंड ऑफ डैश, लॉर्ड कृष्णा का जन्म डैश के अंत को चिन्हित करता है, किसके अंत को चिन्हित करता है, मानवता के, प्रेम के, शांति के और अमानवता के। तो जहां भगवान के जन्म की बात हो रही है वहां मानवता का अंत कैसे होगा, लव का अंत कैसे होगा, पीस का अंत कैसे होगा, अंत होगा तो अमानवीयता का होगा, इन ह्यूमैनिटी का होगा। अमानवीयता, ह्यूमन का एंटोनिम होता है इन ह्यूमन, और इन ह्यूमन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इन ह्यूमैनिटी। तो आंसर होगा 21 का डी। एंड क्रुएल्टी, अमानवीयता और क्रूरता का अंत, ओवर मैनकाइंड। नेक्स्ट, कृष्णा इज अ डैश ऑफ राइटियसनेस, कृष्णा डायस है राइटियसनेस के। अब राइट शब्द है एडजेक्टिव, राइट नाउन का भी काम करता है अधिकार, राइट से बनता है राइटियस। राइटियस वह होता है जो न्यायोचित होता है, जो न्यायानुकूल कार्य करता है, उसे हम राइटियस कहते हैं। फिर राइटियस का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, राइटियसनेस हो जाता है। तो कृष्णा इज अ डायस ऑफ राइटियसनेस, कृष्णा जो हैं वो राइटियसनेस के डायस हैं। सिंबल हैं, मोड हैं, मीन हैं, लाइट हैं, तो ये क्या हैं, प्रतीक हैं, यानी एम्बॉडीमेंट हैं, सिंबल हैं, मोड कार्य प्रणाली के लिए यूज होता है, मीन अर्थ होना और लाइट प्रकाश या हल्का, तो सिंबल हैं कृष्णा राइटियसनेस के सिंबल हैं। श्री कृष्ण was born at midnight of this day. Krishna Janmashtami is observed on the Ashtami Tithi, the eighth day of the dark half of Krishna Paksha of the month Shravana. इसमें तो श्रावण लिखा हुआ है, जबकि उनका जन्म श्रावण में नहीं भाद्रपद में हुआ था, लेकिन इस पैसेज में श्रावण दिया हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, मनाई जाती है ऑन द अष्टमी तिथि ऑफ द एथ डे ऑफ डार्क हाफ और कृष्ण पक्ष। डार्क हाफ को ही हम कृष्ण पक्ष कह रहे हैं यहाँ पर, ऑफ द मंथ ऑफ श्रावणा, श्रावण महीने के, इसका हिंदी बोल रहा हूँ, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के आठवें दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था
और उसे अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, यानी सेलिब्रेट किया जाता है। इस ऑब्जर्व्ड का सिनोनिम लिखना होगा तो हम लिखेंगे सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। ही इज डैश एज एन अवतार। अच्छा, अवतार को, अवतार को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। यहां तो हिंदी लिख दिया है अवतार, इसका इंग्लिश कमेंट करें। ही इज डैश एज एन अवतार ऑफ द गॉड विष्णु। माना जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं। तो ही इज लोकेटेड ऑब्जर्व्ड अकॉर्ड कंसीडर्ड। अब एज लगा हुआ है इसलिए ऑब्जर्व्ड का यूज ना करें, कंसीडर्ड का यूज करें। माना जाता है ही इज कंसीडर्ड, यानी उन्हें माना जाता है भगवान विष्णु के अवतार के रूप में। मैंने कहा अवतार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप लिख लें इनकार्नेट। इनकार्नेट मीन्स होता है अवतार होना, इनकार्नेशन। अवतार द डे इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जील। इस दिवस को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। जील का सिनोनिम आप लोग कमेंट करके बताएं, जील का सिनोनिम क्या होगा। बताया हूं पहले के क्लास में, डैश डिवोशन। जील और डिवोशन के साथ उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जील भी नाउन है, डिवोशन भी नाउन है, और ये दोनों पॉजिटिव सेंस के हैं। एक ही तरह के दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं। द लॉर्ड कृष्णा डिवोटीज ऑब्जर्व फास्ट फॉर द एंटायर डे एंड नाइट डैश हिम। भगवान कृष्ण के भक्त, डिवोटी मीन्स भक्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त उस दिन दिन और रात, समूचे दिन और रात में फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं। फास्टिंग रखने के लिए ऑब्जर्व फास्ट या ऑब्जर्व फास्टिंग का हम प्रयोग करते हैं, उपवास रखने के लिए। डैश हिम क्या करने के लिए, उनको डैश करने के लिए, यानी कृष्ण के जन्म से संबंधित पैसेज है, कर्सिंग नहीं होगा, फाइंडिंग, उनको वर्शिप करने के लिए, उनकी पूजा में, उनकी पूजा में व्रत रखते हैं, दिन और रात उपवास रहते हैं ताकि वो उनकी पूजा करें। तो मैंने पूछा था जील का सिनोनिम बता दें, तो जील मीन्स उत्साह होता है, इसका सिनोनिम होगा एंथ्यूजियाज्म, एंथ्यूजियाज्म मीन्स उत्साह होता है। जील मीन्स उत्साह होता है, फरवर मीन्स उत्साह होता है, जोश होता है, उत्साह होता है। तो हम लोग सेट 30 ऑफ MTS 2017 को कंप्लीट किए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड नाइट।